अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन का टॉपिक है सीपिया। हम आज सीपिया मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे कि इससे रेलेवेंट कौन सी सिम्टम है जो हम पेशेंट में देखेंगे और सीपिया मेडिसिन देंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सीपिया मेडिसिन का कॉमन नेम क्या है। इसका कॉमन नेम है कटल फिश। और कटल फिश के अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हमें सीपिया का सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कटल फिश का अगर हम देखें कि इस कटल फिश के एब्डोमन में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक डार्क ब्राउनिश कलर इंक होती है जो हम पेंटिंग में और प्रिंटर में जो प्रिंटर यूज़ करते हैं प्रिंटिंग में, ठीक है। और जो कटल फिश होती है वो अपने एनिमी से बचने के लिए उस इंक को रिलीज़ कर देती है। कटल फिश के रेलेवेंट पढ़ने के लिए हम कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम तो कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे उसका। देन उसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी उसके देखेंगे कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पे करती है मेडिसिन। देन हम उसके मेन गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ेंगे कि बॉडी में कहाँ कहाँ पे उसके सिम्टम शो होंगे। और देन फिर हम उसकी कॉजेशन देखेंगे कि इन सिम्टम की वजूहात क्या हैं, किन वजह से ये सिम्टम शो होते हैं। और फिर हम की टू सिलेक्ट देखेंगे कि वो कौन सी बेसिक सिम्टम है जिसकी बेस पे हम सीपिया आसानी से दे सकते हैं। और देन हम इसकी मोडालिटीज़ देखेंगे कि उसमें किन चीज़ों से उसे एग्रेवेशन होती है और किन चीज़ों से उसकी एमलरेशन होती है। चलिए अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिसे हमें उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है। बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशन देखते हैं फिजिकली कि वो पेशेंट है कैसा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। उसका थर्मल रिलेशन पढ़ेंगे, सीपीआर मेडिसिन का थर्मल रिलेशन है चिली पेशेंट। इससे मतलब कि ठंडी चीज़ों से एग्रवेशन होती है, मतलब कि लॉन्ड्री वर्क से उसे एग्रवेशन है, कोल्ड एयर से और कोल्ड थिंग से ओपन एयर से उसे एग्रवेशन होती है। चिली पेशेंट होता है सीपीआर का। और दूसरी हम इसमें इसका फिजिकल अपेयरेंस इसकी देखेंगे कि कैसी होती है। इसकी सीपीआर मेडिसिन की फिजिकल अपेयरेंस पेल लाइक पेशेंट होते हैं, फीमेल जो होती है पेलनेस होती है फेस की, आईज की, नेल्स की और नेल्स की स्किन की। उसके बाद हम इसके नोज पे और चीक्स पे फ्रैकल्स होते हैं जो शेप देते हैं बटरफ्लाई की। नेक्स्ट पॉइंट है इसका टेम्परामेंट। टेम्परामेंट में हम उसके मिजाज की मतलब नेचर की बात करेंगे। उसकी नेचर है क्या, इसकी नेचर होगी इरिटेबल होगी, नर्वस होगा, बट मेंटली वो रिलैक्स होगी मेंटली। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने देख लिया, अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि ये मेडिसिन एक्ट किस किस ऑर्गन पे है, किस किस चीज़ पे एक्ट करती है। पैथोफिजियोलॉजी ये तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टल सिस्टम पे एक्ट करेगी। पोर्टल सिस्टम ब्लड वेसल से रेलेवेंट सिस्टम है, उस पे एक्ट करेगी। और दूसरा ये लीवर पे एक्ट करेगी, जीआईटी पे करेगी और स्किन पे। नेक्स्ट हम उसकी कॉजेशन देखेंगे कि ये सिम्टम इसकी जो भी इसकी फिजिकल कंडीशन या जो भी
सिम्टम आती हैं वो किस वजह से आती हैं। लॉन्ड्री वर्क से उसे एग्रावेशन होती है, मीन्स उसकी सिम्टम आती है लॉन्ड्री वर्क से, काम पानी में काम करने से, जैसे कपड़े धोने से, लॉन्ड्री वर्क में कपड़े धोने से, और आफ्टर ईटिंग, आफ्टर कोइटस। ये इसकी एक कॉजेशन है, ठीक है। अब हम इससे मेन इसकी गाइडिंग सिम्टम पे जाते हैं कि इसकी गाइडिंग सिम्टम कौन कौन से होती है। गाइडिंग सिम्टम में कुछ सिम्टम आती हैं जिसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें होता क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि इसमें आती है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वजाइना। जिसमें पेशेंट, फीमेल जो पेशेंट होती है सीपीए की, वो फील करती है जैसे उसके वजाइना और यूट्रस जो ना आउटवर्ड उसकी मतलब कि जैसे उसका सारा पोर्शन जो है, वो जो स्ट्रक्चर है यूट्रस का और वजाइना का, वो बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे सेंसेशन ऑफ बॉल सेंसेशन होगी। ये भी फीमेल फील करेगी जो बॉल सेंसेशन यूट्रस में और वजाइना में बॉल्स की सेंसेशन उसे फील होगी। और दूसरा है बेरिंग डाउन सेंसेशन। जैसे सब कुछ बाहर को आ रहा है, बेरिंग प्रेशर फील होगा उसे, फील प्रेशर वजाइना पे और यूट्रस पे प्रेशर वो फील करेगी। इसकी वजह से वो बैठेगी क्रॉस करके लेग्स, ताकि उसे प्रिवेंट करे, उसे फील हो रहा था कि वजाइना यूट्रस बाहर को आ रही है, तो वो क्रॉस लेग करके बैठेगी। और दूसरी, इसका जो पेन होगा, इस मतलब पेन या फीलिंग या जो भी होगी, वो उसकी उसकी डायरेक्शन क्या होगी पेन की, वो बिलो टू अपवर्ड होगी, बिलो टू अप। लाइक फॉर एग्जांपल अब हम इसमें देख लेते हैं बिलो टू अप। जैसे सबसे पहले उसे पेन फील होगा यूट्रस में, देन पेन अपवर्ड मूव करेगा वजाइना में, देन एम्ब्लाइकस में उसे फील होगा। और इसकी दूसरी भी डायरेक्शन है कि मतलब अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द बैक, जो जहाँ जिस भी ऑर्गन में उसे मतलब वजाइना में या यूट्रस में जहाँ भी उसे पेन फील होगा, वो जो पेन होगा वो बैक पे जाएगा। इससे हमें सीपीआई की पेन की डायरेक्शन की पता चलता है कि क्या डायरेक्शन होती है। इसे हम फिर डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाए। ये इसकी स्पेसिफिक थी कि इसकी पेन की डायरेक्शन क्या होगी। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसकी मेंटल सिम्टम क्या होंगी। ये तो फीमेल सिम्टम है, गाइडिंग सिम्टम उसकी, और अब इसके मेंटल सिम्टम, मेंटली वो पेशेंट कैसा होगा। मेंटली वो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि इंडिफरेंस होगा, लापरवाह सा, मतलब कि उसे अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने ऑक्यूपेशन से बहुत लापरवाही सी होगी, नॉन कंसर्निंग पेशेंट कह लो, इंडिफरेंस। ऑक्यूपेशन से उसे मतलब कि कोई गर्ज नहीं होगी, अपनी फैमिली से, हस्बैंड से, अपने चिल्ड्रन से। और दूसरी वो वीपीनेस बहुत ज़्यादा होगी उसमें, इवन अपनी सिम्टम्स होगी वो भी रोते हुए बताएगी। अगर उसे मतलब के कंसोल दो, उसे हमदर्दी दो, तो वो एग्रावेट हो जाती है उसकी सिम्टम और बहुत ज़्यादा सैड होती है। एंजाइटी भी बहुत होती है उस पेशेंट में,
उसे एंजाइटी और फियर भी होता है उससे कि अलोन ना हो जाए, उसे अलोन का भी बहुत होता है फियर कि अपने फैमिली से अपने हस्बैंड से कि अकेली ना रह जाए, खौफ होता है लाशौरी तौर पे उसे, वो बहुत ज़्यादा लालची भी होती है, मिजरेबल होती है, ग्रीडी, कंजूस। ये होगी इसकी मेन सिम्टम्स जिस बेस पे हम उसको देते हैं सीपीआई मेडिसिन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसकी स्किन पे कौन कौन सी सिम्टम शो होती हैं इस मेडिसिन की वजह से। स्किन के देख लेते हैं कुछ सिम्टम हैं। फ्रेकल्स होंगे, फ्रेकल्स नोज पे और चीक्स पे, मॉथ स्पॉट होंगे, मॉथ स्पॉट होंगे और ब्राउनिश ब्लैक कलर के स्पॉट भी होंगे फेस पे। ये इसकी स्किन कंप्लेंट्स हैं। अभी हम उसकी रिस्पायरेटरी देखेंगे, मतलब कि जीआईटी पे उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जीआईटी के सिम्टम हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पेनफुल एम्प्टी फीलिंग होगी, स्टमक, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के साथ जो रेलिवेंट उसकी सिम्टम हमें मिलेंगी वो होंगी बेरिंग डाउन सेंसेशन, और सेंसेशन ऑफ बॉल। इससे क्या फील होगा कॉन्स्टिपेशन में कि हमें फील होगा कि जो पेन है ना वो एनस से रेक्टम में जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड उसकी मूवमेंट होगी एनस टू रेक्टम, देन मूव अपवर्ड एनस, एनस से रेक्टम में और रेक्टम टू बैक। ये इसकी डायरेक्शन होगी पेन की कॉन्स्टिपेशन के ड्यूरिंग, और ये दो सिम्टम है जीआईटी की। इसके अलावा अब हम देखेंगे यूरिनरी कंप्लेंट्स, सबसे पहले तो हम उसकी पहली सिम्टम ये है नॉक्टर्नल एनोरेसिस, मतलब बेड वेटिंग की उसे आदत होगी बहुत ज्यादा। दूसरी इसकी सिम्टम होगी ऑफेंसिव यूरिन होगा, विद रेडिश सेडिमेंट्स, उसमें रेड सेडिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब ये हमारी सारी ओवरऑल बॉडी के थ्रू आउट उन्होंने फ्लो चार्ट बना दिया कि ये सिम्टम हमारी बॉडी में शो होंगी विद सीपीआई मेडिसिन, ठीक है। और अदर इसकी सिम्टम में आ जाता है हेड विद वर्टिगो, अदर इसके सिम्टम में देख लेते हैं, वर्टिगो आ जाएगा हेडेक में, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, मेनस्टोसिस हो जाएगी, ठीक है, फेंट इजीली, मीन बहुत जल्दी वो पजल हो जाएगा, जो फीमेल होगी वो पजल होगी अपने सिम्टम बताने में, ठीक है। ये इसके अदर सिम्टम है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम अब देखेंगे की टू सिलेक्ट किस बेस पे हम ये स्पेशली मेडिसिन देते हैं। की टू सिलेक्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम है जिस पे स्पेशली सीपीआर दी जाती है,
ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन से सिम्टम है, वो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ऑफ वेजाइना, यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है. और दूसरी है एवर्जन फ्रॉम कॉइटस. और तीसरी है इनडिफरेंस बिहेवियर. इन अगर ये तीन सिम्टम अगर हमें किसी फीमेल में नज़र आए तो हम उसे आसानी से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि उसे सीपीआई मेडिसिन दी जाए, ठीक है. और ये सब सिम्टम जो आपको बताई हैं वो सीपीआई मेडिसिन की हैं. यहाँ पे हमारी मेडिसिन भी कंप्लीट. ओके, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.